चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। विधानसभा चुनाव के तीन चरण खत्म होने के बाद और कल चौथे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। माना जा रहा है कि भाजपा से टिकट ना मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं मयंक जोशी और वे जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा आलाकमान से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ या प्रयागराज से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मांग अनसुनी किए जाने के बाद से ही रीता बहुगुणा जोशी और मयंक जोशी पार्टी से नाराज चल रहे थे, ये बातें सामने आ रही थी। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ मयंक जोशी की तस्वीर उस वक्त सामने आई है जब लखनऊ की सभी विधानसभा सीटों पर कल ही वोट पड़ने वाले हैं, जबकि प्रयागराज में चुनाव के पांचवें राउंड में मतदान होना है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला से। अनुभव, बताएं कि इस तस्वीर के क्या मायने हैं, आखिर कैसे देखा जाए इसे? देखिए, जिस बात को लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही थी कि मयंक जोशी नाराज हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला कैन से और वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात होगी, तो आज वो तस्वीर सामने आ गई और पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी की बात थी वो बिल्कुल सही थी। और अब मयंक जोशी ने आज मुलाकात भी कर ली अखिलेश यादव से और हो सकता है कि जल्द वो समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम लें। और जिस तरीके से ट्वीट किया उसमें लिखा है कि शिष्टाचार भेंट की है, पर आप ये सोचिए कि जब लखनऊ में कल वोट डाले जाने हैं और फिर प्रयागराज में पांचवें चरण में वोटिंग है, उससे पहले मुलाकात और फिर तस्वीर को ट्वीट करना, यानी एक मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है कि कैसे जो बीजेपी के लोग हैं, खासतौर से बीजेपी सांसद और उनके बेटे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो एक संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। जब ये चर्चा उठी तब हमने खुद रीता बहुगुणा जोशी को फोन किया था, उनसे पूछा था कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ ये जरूर उन्होंने कहा था और हमें तो जानकारी है कि पार्टी आला कमान से भी ये कहा था कि अब वो आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे को कम से कम कंटेस्ट कराया जाए, कम से कम लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि खुद रीता बहुगुणा जोशी वहां से पहले जीती, फिर वो बीजेपी में आई, फिर उन्हें बीजेपी ने जब वहां से लड़ाया फिर वो जीती, तो एक तरीके से और वहां जो वोटर्स हैं उसके हिसाब से रीता बहुगुणा जोशी को लग रहा था कि अगर मयंक जोशी को वहां पर पार्टी टिकट देगी बीजेपी तो वो जीत सकते हैं। और कुछ समय से मयंक जोशी वहां उस क्षेत्र में काम भी कर रहे थे, यानी रीता बहुगुणा जोशी जब विधायक बनी फिर मंत्री बनी तो लगातार मयंक जोशी उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो बीजेपी ने वहां पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ मध्य से लखनऊ कैंट भेज दिया, उनको उम्मीदवार बना दिया और अब ये तस्वीर सामने आई है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी थी और नाराजगी के बाद जो कदम उठाया है मयंक जोशी ने वो अब सबके सामने, वो जाकर मिले अखिलेश यादव से और एक दो दिन में हो सकता है कि वो पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए। उधर सीएम योगी ने बहराइच से अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि रामायण में आपने एक नाम सुना होगा लंकेश का, समाजवादी पार्टी वालों का नया नाम है दंगेश, क्योंकि इनके शासन काल में सिर्फ दंगा होता है। बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पढ़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा लंकेश, तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को ये लोग सम्मानित करते थे,